नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिनभर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। मसूरी में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा यह कार्निवल। 6 सालों से बन रहे सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के मुखिया हरीश रावत ने अस्पताल निर्माण के लिए 50 लाख रुपए दिए और आशा जताई कि मई व जून तक अस्पताल तैयार हो जाएगा। लालकुआ के धौलाखेड़ा में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर चेतावनी दी। जोशीमठ क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग पूर्ण न होने पर वहां कार्य कर रही 520 मेगावाट वाली तपोवन बिष्णुगार्ड जल विद्युत परियोजना का कार्य ग्रामीणों ने बंद करवा दिया है। रुड़की पुलिस पश्चिम बंगाल से पकड़े गए अपहरणकर्ता को पुलिस रिमांड पर लेकर रुड़की पहुंची। 2500 के इस इनामी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। अवैध रूप से चल रही एक और केमिकल फैक्ट्री चढ़ी आग की भेंट। फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, तभी अचानक पास में रखे केमिकल के ड्रमों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। इन तमाम खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज.com पर।